इत्तेफाक रिव्यू जबरदस्त थ्रिलर के बावजूद ढीली फिल्म 108 मिनट सीट से चिपके रहेंगे। इत्तेफाक की शुरुआत मुंबई की तेज बारिश की रात से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक शख्स पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। कुछ देर के बाद उसकी कार फिसल जाती है और घायल शख्स पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब होता है। उसी रात एक दरी सहमी औरत सड़क पर दौड़ते पुलिस वैन से मदद मांगने पहुँचती है। इसके बाद शॉट है उसके फ्लैट में हुए क्राइम सीन का, जहां एक ग्लास टेबल के बगल में उसके वकील पति शेखर की लाश पड़ी है। इसके बगल में वही शख्स खड़ा है जो शुरुआत में फिल्म में दौड़ रहा था। उसका नाम विक्रम शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा है। वो एक पॉपुलर लेखक है जिसके ऊपर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप है। उस डरी सहमी महिला का परिचय माया सोनाक्षी सिन्हा के रूप में होता है। विक्रम को शेखर के मर्डर में भी संदिग्ध आरोपी माना जाता है, लेकिन जल्दी ही शक की सुई माया पर भी जाती है। इसके बाद एंट्री होती है जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर देव वर्मा अक्षय खन्ना की, जो इस हाई प्रोफाइल मर्डर को सुलझाते हैं। विक्रम और माया दोनों का ही कहना है कि वो बेगुनाह है। दोनों एक दूसरे को झूठा बताते हैं। दो मर्डर, दो पक्ष और दो कहानी के बीच देव वर्मा कैसे असली गुनाहगार का पता लगाता है, ये असल कहानी है। यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में राजेश खन्ना और नंदा लीड रोल में थे। उस फिल्म में एक मर्फी रेडियो में पागल हत्यारे के बारे में घोषणा होती है और रेखा नंदा घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। अब 2017 में रेडियो की जगह टीवी है, लेकिन तनाव का माहौल बिल्कुल वैसा ही है। अब यश चोपड़ा ने इसे बखूबी दिखाने की कोशिश की है। अगर फिल्म के अंत में कुछ ढीलापन नहीं होता और फिल्म की कहानी में कुछ जगहों पर ढीलापन नहीं होता तो शायद और बेहतर होता। कई इमोशनल सीन ऐसे हैं कि आप कंफ्यूजन की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। असली इत्तेफाक में आखिर तक चूहे बिल का खेल जारी था, यहां कौन ज्यादा कन्विंसिंग है ये बात है। पुराने इत्तेफाक की इफ्तिखार का रोल अक्षय खन्ना ने निभाया है, जो शरलॉक होम्स को भी मात देते हैं। अब एक चोपड़ा की इस फिल्म में अक्षय खन्ना दमदार भूमिका में नजर आएंगे। उनकी स्मार्ट वन लाइनर्स से आप इम्प्रेस हो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत में सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी आपको कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्दी वो भी पटरी पर आ जाते हैं। इन दोनों में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सरप्राइज देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। माइकल लूका ने अधिक रात के सीन कैप्चर किए हैं और आप भी बिल्कुल स्क्रीन से चिपके रहेंगे। नितिन बैद की एडिटिंग भी अच्छी है। अच्छी बात ये ही कि इत्तेफाक में एक भी गाने नहीं है, वहीं प्रमोशनल सॉन्ग रात बाकी बात बाकी भी फिल्म में नहीं है, जो अच्छी बात है। सिद्धार्थ मल्होत्रा सोनाक्षी सिन्हा अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म इत्तेफाक और भी अच्छी थ्रिलर फिल्म हो सकती है, लेकिन फिर भी पूरे 108 मिनट अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे, वो भी इत्तेफाक से।